ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस वर्ड 2007 के होम टैब के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक में आज हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना, लाइन स्पेसिंग बदलना और शेडिंग फंक्शन का उपयोग। होम टैब के ही स्टाइल्स ब्लॉक में हम सीखेंगे पैराग्राफ स्टाइल का उपयोग। एमएस वर्ड 2007 में हम फॉन्ट ब्लॉक ऑफ होम के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। आइए अब सीखते हैं पैराग्राफ ब्लॉक ऑफ होम के बारे में। सबसे पहले हम सीखते हैं अलाइनमेंट के बारे में। बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई मैटर टाइप करेंगे एमएस वर्ड में तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, यानी वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। और जैसे ही आप लाइन बदल के अगली लाइन शुरू करेंगे तो वो भी इसी तरह से लेफ्ट से राइट में चलेगी और पूरा मैटर इधर लेफ्ट में एक सीध में रहेगा। अगर आप राइट अलाइनमेंट चुनते हैं तो आपका मैटर राइट से लेफ्ट की ओर चलना शुरू हो जाएगा इस तरह से। अगर आप सेंट्रल अलाइनमेंट लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई हेडिंग डालना है, तो ये बीच में शुरू होगा, ये आपका मैटर इस तरह से पूरा बीच में आएगा। अगर आप कोई भी मैटर लिख रहे हैं और आपके दिमाग में पहले से है कि आप इसे लेफ्ट अलाइनमेंट में लेना चाहते हैं या सीधे हाथ पर सीध में लेना चाहते हैं या इस मैटर को बीच में चाहते हैं, तो आप लिखने के पहले ही अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपने पूरा मैटर लिख लिया है और अब आपको बाद में देखना है कि कौन सी चीज़ टाइटल के रूप में सेंटर में जाएगी, कौन सा पार्ट आप लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहते हैं, कौन सा राइट अलाइनमेंट में चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिखे हुए मैटर को अगर बाद में आपको चेंज करना है तो आप मैटर को सिलेक्ट कर लें। अब मान लीजिए पूरा हमको लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने लेफ्ट अलाइनमेंट चुन लिया और ये पूरा हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया, यानी उल्टे हाथ की तरफ सारी लाइन सीध में है। अगर आप राइट अलाइनमेंट चुनते हैं तो ये सारी जो लाइन्स हैं वो सीधे हाथ की तरफ से सीध में आ जाएंगी। अगर आप सेंट्रल अलाइनमेंट चुनते हैं तो ये पूरा बीच में इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने देखा अलाइनमेंट। अब देखिए ये जो मैटर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, तो उल्टे हाथ की तरफ से तो सीध में है, पर सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटी बड़ी लाइन्स हैं। अब मान लीजिए आप इस मैटर को दोनों तरफ से एक सीध में चाहते हैं, क्योंकि अगर आप राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट से सीध में आ जाएगा पर लेफ्ट में ये छोटा बड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर आप इसको एक सीध में लाना चाहते हैं तो आपको जस्टिफाई इसको करना होगा। उसके लिए पहले आप मैटर को सिलेक्ट करें और उसके बाद जस्टिफाई ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर दें। ये देखिए अब ये यहाँ से भी सीध में है और ये यहाँ से भी सीध में है, और यहाँ पर तो चूंकि हमारी लाइन खत्म हो गई है इसलिए ये छोटी है। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पर जो है लाइन स्पेसिंग। अब ये नॉर्मल लाइन स्पेसिंग है जो आप अभी इस मैटर में यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप चाहते हैं इसको बढ़ाना, अगर आप दो लाइंस के बीच की दूरी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। पहले आप मैटर को सिलेक्ट कर लें, इसके बाद आप चूज़ करें लाइन स्पेसिंग। अब इसमें अलग अलग आपके लिए कौन सा स्पेस आप चुनना चाहते हो वो देख सकते हैं। मान लीजिए आप इस स्पेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने दो चुना तो ये इतनी इसमें जगह आ गई। आप अगर तीन चुनते हैं तो ये जगह और बढ़ जाएगी, और अगर आप इस पर आते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है। इस तरह से आप दो लाइंस के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाया घटा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन आपको, ये जो छोटा सा निशान है यहाँ पर, जब आप जाएंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इस पर क्लिक करें। ये है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, इसकी मदद से आप अपने पूरे पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। जैसा देखा हमने कुछ ऑप्शन इसमें बाहर भी हैं, जैसे अलाइनमेंट का ऑप्शन आपने बाहर चुन लिया है, आप यहां पर भी चुन सकते हैं। वो मान लीजिए हमने रखा जस्टिफाइड हमने चुन लिया है। इंडेंटेशन में मान लीजिए आप लेफ्ट और राइट दोनों पर बराबर रखना चाहते हैं तो ये हमने दोनों के लिए बराबर चुन लिए हैं।
घटाने या बढ़ाने पर ये कैसा नज़र आएगा या कितना अंतर पड़ेगा वो यहाँ नीचे प्रीव्यू में आपको नज़र आता जाएगा। अब हमने लेफ्ट में जो है 0.5 रखा है, राइट में भी हम उतना ही रखना चाहते हैं, तो ये हमने इसको 0.5 कर दिया और ये देखिए दोनों तरफ से बराबर जगह छूट गई है। फिर आपके पास ऑप्शन है स्पेशल का, इसमें फर्स्ट लाइन ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आप पाएंगे कि पहली जो लाइन है वो थोड़ा स्पेस देकर के शुरू होगी। पूरे पैराग्राफ में आपकी जो पहली लाइन है पूरा पैराग्राफ एक जैसा आएगा, बस पहली लाइन थोड़ा स्पेस देकर अगर आपको शुरू करनी है तो आप ये फर्स्ट लाइन ऑप्शन उसमें चुन लें। कितनी गैप छोड़ना है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं। पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ है और अब इसके नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है, उन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस कितना हो वो हम यहाँ पर चुन सकते हैं। बिफोर यानि पैराग्राफ के पहले और आफ्टर यानि पैराग्राफ के बाद। इस पैराग्राफ के पहले हमको ये देखिए यहाँ जितनी जगह छोड़नी है, हमने 12 पॉइंट्स लिए तो ये यहाँ पर जगह बढ़ती जा रही है। अब आफ्टर में भी अगर आप चुनेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे का पैराग्राफ खिसकता जा रहा है और नीचे भी आपको उतनी जगह मिल जाएगी। ये अब दोनों तरफ से पैराग्राफ के बीच में इतनी जगह छूट गई। लाइन स्पेसिंग आपको बता ही चुके हैं कि आप बाहर भी ये ऑप्शन है और डायरेक्ट आप स्क्रीन से उसको चुन सकते हैं और चाहें तो पैराग्राफ बॉक्स में भी सेट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे चुनेंगे अकॉर्डिंगली आपके दो लाइनों के बीच की स्पेस सेट हो जाएगी। पूरा आपका पैराग्राफ सेट करने के बाद आप इसे ओके कर दें। अब जैसा आपने सेट किया था उसके हिसाब से आपका पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पर सेट नज़र आएगा। अब मान लीजिए आपने कोई मैटर लिखा है और आप चाहते हैं उस मैटर के पीछे बैकग्राउंड में कलर हो कोई, तो उसके लिए आपको यहाँ मिलता है शेडिंग का ऑप्शन। आप यहाँ पर जाएं और ये आपके सामने पूरे कलर शेड आ गए। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप चुन सकते हैं और उस पर क्लिक करते ही वो कलर आ जाएगा। जैसे जैसे अब आप मैटर आगे लिखते जाएंगे वैसे वैसे ये कलर उस मैटर के पीछे बैकग्राउंड के रूप में आता जाएगा। मान लीजिए बैकग्राउंड में जो कलर है ये आपको नहीं चाहिए, ये आप हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप मैटर को पूरा सेलेक्ट करें, जहाँ तक कलर है वहाँ तक ले आएँ और उसके बाद वापस शेडिंग ऑप्शन पर जाएं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है नो कलर। ये देखिए नो कलर अगर चुनेंगे तो पीछे ऐसा रंग हट जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। अभी हमने देखा पैराग्राफ ब्लॉक ऑफ होम, अब हम देखते हैं स्टाइल्स ब्लॉक ऑफ होम। या तो आप पैराग्राफ ब्लॉक से अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप उसकी पूरे की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। उसके लिए पहले आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, इसके बाद यहाँ पर आप जाएं। अब यहाँ से अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लीजिए इसको हेडिंग स्टाइल में रखते हैं या टाइटल स्टाइल में इसको रखना है, सब टाइटल स्टाइल में रखना है या कोट स्टाइल में रखना है, तो जिस स्टाइल में आप जाएंगे रिव्यू में नीचे देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ जो है उसकी स्टाइल चेंज हो रही है। जो भी आपको रखना हो उस पर जाकर आप क्लिक कर दें और ये बदल जाएगा। MS Word 2007 के होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में आज हमने सीखा टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना, लाइन स्पेसिंग बदलना, शेडिंग फंक्शन का उपयोग और स्टाइल्स ब्लॉक में सीखा पैराग्राफ स्टाइल का उपयोग।